संतोषनाथ जी। क्या हुआ रात को आपके साथ? रात को क्या, यहाँ 5 साल से गुंडागर्दी चल रही है जी। पहले मैं, मेरे गुरु महाराज थे वो चले गए, उसके बाद ये 5 साल मेरे साथ अत्याचार करते रहे। रोटी पानी मेरा बंद, मेरा यहाँ लैटरिन बाथरूम जाती हूँ, मैंने सुबह आरती पूजा करनी होती है वहाँ ताले लगा देते हैं, अगर मैं कमरे में जाती हूँ तो मुझे गाली गलोच करते हैं, हमने कमरे में भी जाना छोड़ दिया। 5 साल से मेरे साथ अत्याचार करते थे, तो उसके बाद मैंने साधु समाज से विनती करी कि मेरी रक्षा की जाए, यहाँ पर मेरे साथ गुंडागर्दी करते हैं। ये साधु समाज जब आया, इन्होंने गुप्त भी आके देखी, इनकी वीडियो भी बनाई सारी, मतलब कि घूम के इन्होंने देखा, फिर उन्होंने साधु समाज को भेजा कि वाकई वहाँ पर यही हो रहा है। मेरे कहने पर नहीं, वो आए, उन्होंने अपनी तसल्ली करी यहाँ पे, पहले अपने साधुओं को भेजा, गुप्त इनके बीच में बैठ के वीडियो बना के इनकी सारे साधु समाज को दिखाई गई, फिर ये साधु समाज की तरफ से मंत्र यहाँ चुने गए, इनको यहाँ मंत्री दी गई। ये साधु समाज की तरफ से बेदखल हो चुका है, इसके पास कोई कार कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी करवाता है, शराबें पिलाता है, जो भी यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर रहने नहीं देता। ये मामे चाचे ताए सब परिवार इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, कोई मतलब कि दूसरे साधु को तो यहाँ रहने ही नहीं देते, कोई प्राणी वो नहीं है, मैं प्राणी रहती हूँ, इनको ये होता है। मेरा महंत बालकनाथ। क्या बात हुई रात को? रात को जी हम लेट रहे थे यहाँ, तो आए 5-7 लोग, यहाँ अंदर बैठे थे, दारू में शराबे पी रहे थे, तो उन्होंने आके बट्टे डड़े बट्टे मारने लगे, डंडे डूंडे। हमने कहा बच्चा यहाँ मंदिर कोई है, धर्मस्थान है, मंदिर की कोई मूर्ति वगैरह खंडर हो जाएगी, सनातन धर्म को आँच आएगी, ऐसे अच्छा नहीं है। तो उन्होंने लेके क्या करा सर, उन्होंने बट्टे बुट्टे मार के हमारे भी चोटें मारी, रात को भी मारी चोटें, धमकी भी मारी उन्होंने। फिर वो गुड़िया जो रहती है यहाँ देवी संतोषनाथ, कमरे से आई तो उसको भी 2-4 चप्पड़ मारे उन्होंने। एक का नाम सरजीत नाथ है, अमृत है, सिकंदर है, वसूड़ी है, एक का नाम दाना है, मलाई है, सब नशेड़ी के लोग हैं। वो अपने आप को पूरे डोन कवाते हैं, बोलो हम पता नहीं कितने बाबों को मार दिया, कितना कर देंगे। हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारे को अर्थ मिलना चाहिए इसका, बिल्कुल सजा कड़ से कड़ सजा हो। प्रशासन को हमने बहुत बारी पहले भी रिपोर्टें दी है, नॉर्मल करके हमारी रिपोर्टों को साइड में कर दिया है। साइड में जो दुर्गाणा मंदिर प्राचीन है, रमेश शर्मा, अरुण खन्ना जी, ये सबको पता है, अभी ये नाथ जी महाराज ऊपर नाथ संप्रदाय की तरफ से आ रहे हैं। ये जो आसपास में मंदिर है हमारे, उनको सबको पता है अभी बालकनाथ जी जो आ रहे हैं नाथ संप्रदाय की मर्यादा से आ रहे हैं ऊपर से। तो हमारे को ये प्रशासन आता है, 2-4 बातें हमारे को, 2-4 उनको कह के चले जाते हैं, बोलो महाराज जी को लात तो नहीं टूटी आपकी, तो पुरानी रंजिश सही है, रंजिश कुछ नहीं है जनाब, इनको हमने नशेड़ियों के अड्डे को दूर किया, हमारे नाथ संप्रदाय ने हमारी ड्यूटी लगाई है। यहाँ हम धनोरी डेरे के साधु हैं, जो ये जिसके ये प्राचीन भैरव मंदिर आता है नौर गति। जी सर, अपना नाम ते डगलेस। हाँ जी, मैं ऐसे प्रवीण कुमार चार चौंकी दुर्गाना मंदिर। सर की मामला है, जी वीडियो वायरल हो रही मंदिर की, मंदिर रात झगड़ा होया इन्हों का आपस पार्टियों दोनों का, अगे भी इन्हों का कोई चलता वा डिस्प्यूट, इस करके होया झगड़ा। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਅਨਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ